Hi, hello, welcome back to my channel. I am Suruchi from Suru's Diary, Life of Indian Mom in Oman. और आज का वीडियो है हमारा शवरमा विजिट. 8 महीने बाद मुझे लग रहा है फेब में हम लोग खाए थे लास्ट टाइम शवरमा बाहर का, और उसके बाद हमने कभी हिम्मत ही नहीं कर पाई हो पाई थी हमारी जाने की बाहर और खाने की. बट अभी जब सिचुएशन सब सही हुआ, सारे होटल्स ओपन हुए, तब जा कर के हम अभी ये 8 महीने बाद निकले हैं बाहर कुछ खाने. और शवरमा तो बहुत बैडली मिस कर रहे थे क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद. एंड लुक एट देयर एक्साइटमेंट, हाउ एक्साइटेड दे आर. एंड अगर आप जानना चाह रहे हैं ना कि यहाँ पे मस्कट में कहाँ हमें बेस्ट शवरमा मिलेगा, तो बहुत जगह ट्राई करने के बाद पिछले 2 साल के हमारे रिव्यू ये हैं कि अलावस इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैव शवरमा. और ये हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड अपने लिए ना, हम स्पाइसी वाला बनवाते हैं, तो उसमें बहुत सारी ग्रीन चिलीज, लॉट्स ऑफ ग्रीन चिली स्टफ्ड होते हैं जो मुझे बहुत पसंद आता है. और बच्चों के लिए प्लेन, मीन्स दे इवन डोंट लाइक दैट सैलड, सैंडविच सैलड इज सैलड, दे डोंट लाइक, माई किड्स डोंट लाइक, तो बस प्लेन मायोज वाले शवरमा वो खाते हैं और बहुत खुशी खुशी खाते हैं. क्योंकि ये शवरमा जो है ना अल हवस वाला, ये इसलिए स्पेशल है कि इसके कुबूस को ही, जो ब्रेड होता है ना, पीटा ब्रेड जिससे शवरमा बनाते हैं, उसको बाद में ये ग्रिल भी करते हैं, जिससे कि मैं सब चीज़ें अंदर मेल्ट होकर इतनी यमी, इतनी जूसी, टेस्टी हो जाती है ना. तो ये बेस्ट शवरमा है. इवन यूएई में भी हम खाते थे, लेकिन यूएई से भी ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ का ये अल हवस का शवरमा लगा. तो अगर आप आसपास हो मस्कट में तो ज़रूर जाओ. और आपको किस जगह की शवरमा अच्छी लगती है, अगर आप मस्कट में हैं, ओमान में हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिएगा कि व्हाट इज़ द प्लेस, विच इज़ द प्लेस वेयर यू लाइक ईटिंग शवरमा. Me and my husband both are very foodie. You can see, we both are very foodie. So we keep on searching for more better alternatives. तो आपको अगर किसी को पता है जहाँ आपको लगता है कि बहुत अच्छी मिलती है, तो आप ज़रूर ज़रूर से कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा. हम एक बारी तो ज़रूर जाके वहाँ पे हम लेंगे. हमने कार से ही ऑर्डर किया और शवरमा अब आ चुका है और हम सब लग पड़े हैं इसको खाने में. एंड सी हाउ एक्साइटेड एंड हैप्पी मेरे छोटे. और शवरमा खाते खाते, गपशप करते हुए, बाहर का औसम व्यू देखते हुए, और शाम इतनी खूबसूरत लग रही थी ना उस दिन सनसेट के. एक्चुअली हम लोग यूजुअली थोड़ा रात हो जाता है तो ही बाहर निकलते, उस दिन थोड़ा पहले निकले थे तो बहुत खूबसूरत लग रहा था सनसेट देखने में. और बस हमने शवरमा फिनिश किया, इतने में ही रात हो गई और हम वापस आ गए, क्योंकि पार्क तो जाना नहीं था, पार्क जा नहीं सकते थे. और हम यूजुअली कहीं रास्ते में कार पार्क करके, जो कुछ जगह ऐसा दिखा जहाँ वॉक कर सकते हैं, वॉक कर लेते हैं, बट उस दिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो हम सिंपली खाए पिए और घर आ गए. सो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग. आई होप आप सब ने इन्जॉय किया. इफ़ यू वॉन्ट मोर सच व्लॉग्स देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, सो दैट वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू कैन सी इट. एंड टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. सी यू सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग.